हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इनो गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका बी एस एच एफ 101 का है और इसमें आज हम लेंगे चैप्टर 13 यानी 13 अध्याय भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम लेंगे मूल अधिकार, क्योंकि इसमें मूल अधिकार से भी संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ ही साथ में राष्ट्रीय नीति निदेशक तत्व से भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज ले लेते हैं मूल अधिकार। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय नीति निदेशक से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ लेके आएंगे। सेम MCQ इसी तरह से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ओके, चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जो होता है उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जब भी मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपको मिल जाए। और PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं, ले लेते हैं आज आपका जो लेसन है वो 13 यानी भारतीय संविधान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसमें पहला ले लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। अब आपको ये बताना है सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, यानी नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, या फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे, या क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। यहाँ पे कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, मतलब मौलिक अधिकार कौन लागू कर सकता है, संविधान ने किसे शक्ति प्रदान की है। भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो देखिए, जब अधिकार की बात आती है और तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को ये शक्ति प्रदान की गई है कि संविधान द्वारा वो मौलिक अधिकारों को लागू करें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है, तो वाद योग, अवाद योग, लचीले या कठोर होते हैं। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं ये वाद योग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, तो मैं ये PDF दे दूंगी तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वाद और अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं जो होती हैं इसमें, और जिसमें मौलिक अधिकार जो होता है वो वाद योग होता है, और नीति निदेशक तत्व तो जो होते हैं वो अवाद योग होते हैं। आगे हम जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो नीति निदेशक तत्व का ही होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भी आपके लेसन में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार क्या, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। ओके, मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में होते हैं, और केवल सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन स्थिति में इसको निलंबित किया जा सकता है। ओके, चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21 ए में वर्णित मौलिक अधिकारों को, या अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार को। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार को जो है वो राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ पे डिटेल में दिया गया है तो आप इसे रीड कर लीजिएगा, जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अनुच्छेद 12 से जो 35 हैं इनमें भारतीयों को, जो नागरिक है उनको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, हम जब लेसन पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार के बारे में, तो आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या, ये भी हमें जान लेना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार होते हैं, ये 6 अधिकार है जो हमें दिए गए हैं, जो संसद की तरफ से, संविधान की तरफ से, भारत के हर एक नागरिक को दिया गया है, वो उनका एक तरह से कह सकते हैं कि जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्हें कोई नहीं छीन सकता है। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि पहले मौलिक अधिकार 7 होते थे, ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, लेकिन आप सिर्फ 6 रह गए हैं। और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन सी, ये देख लेते हैं। जैसे समानता या समता का अधिकार, हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिविक्स वगैरह में। स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। एक और अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको इस मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है, ठीक है ना। उसका रीजन ये है क्योंकि संपत्ति का अधिकार था, इसलिए इसको मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है, ठीक है ना, और इसको कानून अधिकार के रूप में रख दिया गया है, ठीक है। तो मौलिक, यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है, इसलिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हो सकता है ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है और उसमें एक या नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछे, और उसमें संपत्ति का अधिकार रहेगा, नहीं है में तो फिर संपत्ति का अधिकार आ जाएगा। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। और थोड़ा अनुच्छेद भी याद कर लीजिएगा, समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में है, फिर 18 के आगे 19 है, तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 है। देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका रख बन जाता है कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, और साथ ही इसमें अनुच्छेद भी पूछ सकता है, क्योंकि इसमें आपके बुक में डीपली दिया हुआ है इसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, और साथ ही साथ में इसमें राजनीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। ओके, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में है। तो देखिए, राइट आंसर ए हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में, ठीक है ना। कहाँ से, 12 से 35 तक में, जस्ट अभी हम आपको बता के भी आ रहे हैं। तो 12 से 35 तक में अनुच्छेदों में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है वो वर्णित है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है आपको, ठीक है ना। इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, थोड़ा सा इसे देख लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह के जो इसमें क्वेश्चन होते हैं ज्यादा होते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया आपका कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। पहला, ये राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों की बिल की भांति नहीं है। अब जो नीचे कूट दिए उनमें सही चुनना है कि इसमें 1 या 2 सही है, 2 या 3 सही है, 1, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है। देखिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ये राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, राज्य किसी के भी विरुद्ध गलत काम नहीं कर सकता है, क्यों, इसीलिए व्यक्ति को, नागरिकों को ये अधिकार दिए गए हैं, और इसमें दूसरा यानी ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तो ये जो दोनों हैं राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं कहीं पे आपको कूटनीति यानी कि 2 ऑप्शन उसमें दिए रहेंगे, एक सही और एक गलत, तो फिर नीचे ऑप्शन रहेंगे, आगे हम वो भी क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आते हैं। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 14, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 14। और क्योंकि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है, तो विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण अनुच्छेद 14 करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम जल्दी से ले लेते हैं, ये PDF है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। समानता का जो अधिकार है वो संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है, यानी समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 2, 3 और 4, यानी कि अनुच्छेद 14,
अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद जो 16 है इसके अंतर्गत समानता का अधिकार दिया हुआ है। ओके चलिए, तो 14, 15, 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत है। तो अगर हम एक टोटल देखें कि कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है समानता का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद जो 13 है उसमें मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने संबंधित है। तो मेन 14 से 18 आप इसे याद कर लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिनमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। यहाँ पे आपको अनुच्छेद बताना है जिसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में गैर सरकारी गैर अनुदान या अन्य जो पिछड़े होते हैं एसटी एससी जो लोग होते हैं उनके आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 15 5 जो है इसमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त जो ओबीसी एसटी एससी के लोग होते हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया 15 5 में। ओके तो फ्रेंड्स चलिए और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अन्य क्वेश्चन ले लेते हैं। हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए, जो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद जो 24 है इनमें से कौन सा है? तो डी अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि किसी 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते हैं किसी कारखाने में होटल में कहीं भी वो काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद जो है 24 है। अनुच्छेद 17 जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का। अनुच्छेद जो 18 है वो उपाधियों का अंत करता है और अनुच्छेद जो 23 है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है और अनुच्छेद जो 24 है वो करता है आपका कि बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों का शोषण नहीं कर सकते। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? अब यहाँ पे देखिएगा, जो मूल अधिकार है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा वही सी, यानी 24। सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया है और कुछ नहीं। तो बालकों के शोषण से संबंधित क्वेश्चन आया तो अनुच्छेद 14 24 होगा, आपको याद रखना है। ओके, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? बालकों के नियोजन से, तो अनुच्छेद 24 देखिए, बालकों के लिए जो अनुच्छेद है वो 24 रखा गया है, इस चीज को आप याद कर लीजिए। तो बालकों का नियोजन, बालकों का जो शोषण है वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, 14 वर्ष से कम के आयु के जो बालक है वो किसी भी कल कारखाने में कहीं बाहर है, उनसे कोई जबरदस्ती काम वर्क नहीं करा सकता, उनका शोषण नहीं कर सकता है। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो देखिए वही चीज आ गई, अनुच्छेद 24 है। सिर्फ क्वेश्चन को घुमा घुमा के बार बार पूछ रहा है, आंसर इसका एक ही होगा, अनुच्छेद 24। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और भी हम क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सिर्फ वही लेके आए हैं यहाँ पे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? यानी कौन से ऐसे अधिकार हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है उनको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी, ये भी बता दे इसको कौन परिवर्तित कर सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय परिवर्तित कर सकता है। ओके, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो देखिए न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो मैंने अभी बताया कि सिर्फ और सिर्फ जो उच्चतम न्यायालय जो है उसको परिवर्तित कर सकती है क्योंकि वह मौलिक अधिकारों की संरक्षक है, रक्षा करने वाली है। कौन? न्यायपालिका। ओके, क्योंकि जो न्यायालय वगैरह होती न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे और क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही नहीं है? जैसे KM मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपके उसमें अभी तक क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग आते थे, तो उनसे ये संबंधित है कि KM मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे या संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता रिपोर्ट समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की
प्रस्तुत की गई थी। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। देखिए सही नहीं है, ये आपको बताना है, यानी इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए डी जो है ये गलत है। जस्ट अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक यहाँ पे क्या दिया है, भारत का राष्ट्रपति है। जबकि अभी जस्ट हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका है। यानी कि आखिरी जो फैसला होता है वो किसका होता है, इसमें परिवर्तन कौन कर सकता है, उच्चतम न्यायालय कर सकता है। तो डी जो ऑप्शन है वो गलत है, यहाँ पे भी देखिए नीचे दिया हुआ है, ठीक है, संरक्षक न्यायपालिका है। ओके, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक देखिए जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार यानी अधिकार से संबंधित जो चीजें हैं उसका संरक्षक कौन है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में हमने देखा उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय देखा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, देखिए वही बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ आंसर एक होगा, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया, तो मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है, न्यायपालिका को माना जाता है। ओके, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, क्वेश्चन समझिएगा, किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे उच्चतम न्यायालय में बार बार कह रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन जरूर क्रिएट हो रहा है कि भारत के संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है, तो देखिए वो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है ना, कौन है, उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। अब देखिए जो मैंने कहा था आपको किस तरह का भी एक क्वेश्चन आया था, देखिए वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। तो 6 मूल अधिकार कौन से हैं आपको याद करके रखना होगा, मैंने भी आपको बताया भी था। तो इसमें देखिए समता का अधिकार, समानता का अधिकार दिया है, ये मूल अधिकार है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। विरोध का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं है, में ये आ जाएगा। यहाँ पे होता संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार भी जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, देखिए यहाँ पे आ गया संपत्ति का अधिकार। जस्ट मैंने भी कहा था कि संपत्ति का जो अधिकार होता है वो मूल अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। देखिए पहले संपत्ति का अधिकार भी जो था वो मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता था, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसको इससे हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यह संपत्ति का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो जिसमें आज हमने आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से संबंधित MCQ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट्स करिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य क्या होते हैं, जो मौलिक अधिकार मूल अधिकार एक होते हैं और जो मूल कर्तव्य होता है वो अलग होता है, तो वो क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।